हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ, नई बुक लेके आपके सामने रिव्यू करने। ये है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेनन मार्टिन। काफ़ी पॉपुलर बुक है, कई लोगों से आपने इसकी रिकमेंडेशन सुनी होगी। एक बार देख लें हम फ्रंट एंड एक साइड से। जी वेल, इंग्लिश लैंग्वेज, आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम में। आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जितने भी आप परीक्षाएं देते हैं, इंग्लिश का कितना रोल रहता है आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वेल, ये बुक मेरे पास तकरीबन 1.5 साल से है। ये मेरे एक फ्रेंड ने दी थी मुझे, ये आप देख सकते हैं। रिटन बाय PC रेन, MA ऑक्सन, मार्टिन। कंटेंट्स आ गए इनके, ये देख सकते हैं आप। सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, द फ्रेजेस, बेसिकली हर एक बेसिक से शुरू किया हुआ है इन्होंने। प्रेपोजिशन, पार्टिकल, मूड, एक्टिव, पैसिव, वर्ब। पढ़े ही हैं आपने, ऐसी बात नहीं है नहीं पढ़े हैं आपने, आप सबने पढ़े हैं। टेंसेज से लेके हर एक, जब तक इंग्लिश आपने शुरू की है लेटर से लेके, बस यही इसमें। इसके बाद कंपोजिशन में आपके सिंपल सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस, क्लॉजेस हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। इसके हर एक चैप्टर में मैं आपको बता दूं, इनफ प्रैक्टिस दी हुई है। के बाद नेक्स्ट पे हमारे यहाँ पे एक्टिव पैसिव भी हैं, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, किस तरह सेंटेंस बनते हैं। इसमें काफ़ी काफ़ी ये लंबा डिटेल में दिया हुआ है, एक चैप्टर में ख़त्म नहीं किया है। इसमें कई पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इसको। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी असर्टिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, करेक्ट यूसेज, बहुत डिटेल्ड में इस बुक में समझाया हुआ है रेनन मार्टिन में। बहुत डिटेल में, बेसिक से लेके हर एक चीज़ डिटेल में है। अगर आपने और कोई किताब पढ़ी होगी वो कैप पे, या मतलब कि इंग्लिश पे इस टॉपिक पे, तो आप अगर रेनन मार्टिन पढ़ें आपको थोड़ा बहुत तो डिफरेंस पता चल जाएगा किसी और ऑथर की, किसी और राइटर की और इस ये वाली बुक। लेटर राइटिंग है, स्टोरी पोएम है, स्टोरी राइटिंग, पैराग्राफ किस तरह हम करते हैं, बेसिक हर एक चीज़ बताएं, फंडामेंटल्स उसके। उसके बाद ऑफिशियल लेटर्स किस तरह लिखते हैं, एक्सरसाइजेस काफ़ी हैं उसकी। बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स, सोशल लेटर्स, फ्रेंडली लेटर, इन्विटेशंस, नोट्स ऑफ इन्विटेशन, आगे आ जाए हम। कॉम्प्रिहेंशंस, प्रेसी राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एक्सपेंशन ऑफ पैसेजेस, ऑटोबायोग्राफीज, या ऑटोबायोग्राफीज भी इसमें दी हुई हैं। डायलॉग राइटिंग, बेसिकली क्या होता है कि हम जब नेट पे कोई चीज़ पढ़ते हैं या नेट से कोई चीज़ पढ़ते हैं, हम जब तक तो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब तक तो सही है, लेकिन जब तक हमारे पास कोई बुक ना हो कोई अच्छी सी, तब तक हमें इतनी अच्छी तरह से उस चीज़ को मतलब समझ नहीं पाते। नेट से आप जितना मर्जी पढ़ लें, आपको पता है नेट में कंटेंट जो है वो अनलिमिटेड है, कितने सोर्सेज हैं आपको मिल जाएंगे, कितनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मतलब कि कोई लिमिट नहीं है। पैराफ्रेजिंग यहाँ से शुरू हुई, आप देख सकते हैं चैप्टर 1, द सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, और सेंटेंस होता क्या, हर एक बेसिक चीज़ से उन्होंने शुरुआत की है। आप भी जहाँ से कोचिंग से पढ़ते होंगे, या किसी सर या टीचर से, कोचिंग क्यों, किसी टीचर से आप पढ़ रहे होंगे या आपने पढ़ा होगा, बड़ी बेसिक चीज़ों से उन्होंने बोला होगा कि सेंटेंस क्या है। शुरुआत ऐसे ही करते हैं हमारे सर टीचर जितने भी हैं, मैडम। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या चीज़ होती हैं, आपने आपको पता होगा कि जब आप 6th 7th में होंगे आपसे पूछा ही होगा हर किसी ने,
अब अगर आपसे पूछो, कई चीज़ें हमें भूल जाती हैं, नहीं भी याद रहती हैं, आपके पास एक बुक है, एक मीडियम, एक सोर्स है, आपको वो चीज़ ये कभी भी उठा के पढ़ ली यार, किसी भी चीज़ में मुझे वो लगा कि अच्छा ये कैसे होता है, ये कैसे चीज़ बनी है, ये कहाँ से आई, इसमें आपको एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, एडवर्ब यूज़ हो रहा है, कई बार ऐसे हो जाता है, तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाती है, एक सोर्स हो आपके पास एक। ये देखिए, हर एक चीज इसमें दी गई है। आगे चलते हैं थोड़ा, पार्ट ऑफ स्पीच सबको पता ही है, एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, नाउन क्या है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन क्या होते हैं, इसमें बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट कर करके हर एक एग्जांपल, हर एक चीज बताई हुई है। डिटर्मिनर्स, यार मुझे तो सही बात बताऊं, मुझे तो कोई पूछता था डिटर्मिनर्स वगैरह क्या होते, वैसे माइंड में होता था, लेकिन वैसे कोई पूछ ले ना, भूल जाता था मैं, बहुत बार भूल गया। काइंड्स ऑफ नाउंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउंस, ये तो पता ही नहीं, ये बेसिक सी चीज है, कितने होते हैं, प्लूरल होते हैं नाउन, क्या है क्या नहीं, एडजेक्टिव आ जाए, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, एक्सरसाइज है, कंपोजिशन, अ लिटिल, द लिटिल, आर्टिकल्स, हर एक चीज दी है इसमें बुक में, थोड़ा ओमिशन ऑफ आर्टिकल कहाँ पे होता है, किन चीज़ों में क्या रूल है, हर एक चीज़ दी हुई है इसमें, बहुत अच्छी क्लियरली इन्होंने सटीक हर एक चीज़ बताई हुई है, इफेक्टिव वे में, बहुत पढ़ते वक्त भी बहुत मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब कि आपको किसी, ये जरूरी नहीं कि किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए ही आप ये सब चीजें कर रहे हो, वैसे भी आप भी अगर आधा घंटा भी निकाले, मैं 1 घंटा भी निकलता, आधा घंटा भी मन लगा के पढ़े ना, आपको इतना अच्छा लगेगा ना, इस तरह से ये बुक लिखी गई है, मतलब कि आपका मतलब कि फोकस जरूर बनेगा इस बुक में, एंड ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इवन एवरी वन बाय अ मैन। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, पार्टिसिपल्स, हर एक चीज बार बार समझाइए, डेफिनेशन, उसके साथ उसकी एक्सेप्शन भी दी हुई है, थोड़ा आगे जाएं हम, प्रेपोजिशन में एक्सरसाइजेस दी हुई है, रिलेशन एक्सप्रेस्ड, ये देखिए, मतलब कि मैंने तो जितनी पढ़ी है ये बुक, जितनी जितनी पढ़ी है, मुझे मुझे तो बहुत हेल्प मिली है, कई डाउट्स मैंने क्लियर किए इसमें से, आपके पास भी कईयों के पास होगी, कईयों के पास अपग्रेडेड वर्जन होगा इसका बुक का, कई के पास पुरानी होगी, लेकिन आपको, आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो हाँ, अगर आप अपने किसी फ्रेंड से ले सकते हैं, या आपको लगता है कि हाँ यार एक बुक की कमी है मेरे पास, तो मैं ये बुक ज़रूर रेकमेंड करूँगा, और भी मार्केट में बहुत अच्छी बुक है, ऐसी बात नहीं है, रेन एंड मार्टिन इज ऑल्सो वन ऑफ देम, जो कि मुझे मतलब काफ़ी इफेक्टिव लगी है बुक, और पढ़ने में इवन आपको एक्सरसाइज जो है इसमें प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आएगा। ये देखिए, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, टेबल सा बनाया हुआ है, बेसिकली हम ये टेबल हमने सेंटेंस के लिए बनाते थे 6th 7th में, सेंटेंस हम इस तरह हमारी मैडम ने बनवाया था, मुझे याद है। के बाद अगर हम थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, बहुत ही हाँ, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत गलतियां करता था मैं 6th 7th में, थोड़ी नहीं बहुत गलतियां हो ही जाती थी,
30 मार्क्स का होता था कम से कम, मेरे शुरू शुरू में तो 17 आते थे बड़ी मुश्किल से। उसके बाद मैंने ठीक किया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस लाइक द अर्थ इज राउंड एंड वी कैन प्रूव इट, ये कंपाउंड सेंटेंस है। वी कैन प्रूव दैट अर्थ इज राउंड, बहुत प्रैक्टिस है इसमें ना, प्रैक्टिस है। ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं इसमें काफ़ी हैं, सफिक्स, लैटिन लैटिन प्रेफिक्स और ग्रीक प्रेफिक्स, देखिए सफिक्स ऑफ नाउंस, एडजेक्टिव्स और ये लेटर लेटर राइटिंग है, फॉर्मल इनफॉर्मल आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी इसमें। प्रेसी राइटिंग अलग से मिलेगी, मेथड है किस तरह, यू नो डिटेल हर एक चीज़ हमें पढ़ना किस तरह है, रीडिंग किस तरह करनी है उसकी, फिर उसको मतलब किस तरह अंडरस्टैंड करके, मतलब किस तरह अपने वर्ड्स में लिखना है, हर एक चीज़ बड़ी बेसिक चीज़ बताई हुई है इसमें से। पॉइंट्स कौन कौन से रिमेम्बर हैं रखने हैं, ये 376 पेजेस हैं बुक्स इस बुक के, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये बुक। मेरे पास इंग्लिश में ये, आपकी हिंदी में भी मिल जाएगी। जी तो जिन लोगों को इस बुक में थोड़ा बहुत सुना हो कि इस बुक के बारे में, तो मैं तो ज़रूर कहूँगा कि आप अगर अपने किसी फ्रेंड से बोरो कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ओवर एंड ऑल मैं इस बुक को मतलब कि काफ़ी रिकमेंड करूँगा, बहुत अच्छी बुक है, आप ज़रूर पढ़ें एक बार तो ज़रूर पढ़ लें। एंड गाइस मैं एक चीज़ कहना भूल गया, बार बार कहना है, चैनल नया है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन, टेक केयर।